ज्योति में गलती है, प्रवीण में तो भाई देख कोई भी गलती नहीं, प्रवीण भाई की तो मैं नुका रही हूँ। प्रवीण भाई अगर तू जी बैठी है और भाई का मामला है जो अभी पता आपने भाई जो चल रहा है मामला अभी जो लव मैरिज का सबसे बड़ी बात तो है लव मैरिज है अरेंज मैरिज हो उसमें जो है आजकल जो है पारिवारिक ज़्यादा जो है टूट संबंध हो रहे हैं, कोई घरवाली छोड़ कर भाग जाए बच्चों को छोड़ कर भाग जाए। तो हमने काफ़ी कवर कराया है और काफ़ी जो सीमा ने बातें बताई हैं सामाजिक तौर पर वो काफ़ी बढ़िया लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, उसमें अच्छे अच्छे कमेंट दिए। तो उसी कड़ी में हम आगे पूछेंगे, एक मामला हो रहा है अभी निकल करके जींद का जो एक बच्चों की जो है माँ छोड़ करके चली गई दो बच्चों की, और सीमा जी के पास भी एक फ़ोन आया था उससे पहले भी एक फ़ोन आया था कि भाई जो मेरी घरवाली भी छोड़ के जा रही है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे वो किसका फ़ोन था, बाकी नाम नहीं हम शो करेंगे अभी भी क्योंकि बाद में दिक्कत आ जाए कुछ भी तो वो बंदा होना जरूरी है, पहले ये पता करेंगे भी आया था हाँ नहीं आया था। सीमा जी पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर, और आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहते हैं सर, आप जनता की आवाज़ बन रहे हो और जनता का ये दिखा रहे हो भाई यहाँ कहाँ गलत है कहाँ सही है जनता। बिल्कुल, तो अभी आपने पता है क्या चल रहा है सिस्टम, अभी फरमाना की बात करें फरमाना पे भी आपने बातचीत रखी और एक मुद्दा और निकल के आया अभी जींद में जो है दो बच्चों को छोड़कर एक माँ चली गई, तो मतलब महिला के बिना यह तो बात है कि परिवार संभव नहीं है चलाना, तो इसको लेकर के क्या कहोगे जो भी महिलाएँ छोड़ के जाएँ या फिर भाग जाएँ? क्या बतावें सर, हम तो ये कह रहे हैं भाई जो कर रही हैं गलत है, बिल्कुल गलत है। जो माँ अपने बच्चों की नहीं हो सकती ना वो किसी की भी नहीं हो सकती भाई। तुम रख लो जे 3-4 दिन में 10 दिन में महीने में 6 महीने में ये थारे दौरे था भी ना बात जाना तो भाई मन्ना बता दियो। अच्छा आपके पास भी एक फोन आया था? हाँ मेरे पास भी फोन आया था बहादुरगढ़ था फोन आया था, वो बोला भे मना तेरी मदद की जरूरत है, मेरी भी है ना 3 बच्चों ना छोड़कर, 16 साल की लड़की है, 9 साल की है और 6 साल का लड़का। मैं बोली भाई कोई बात नहीं, वो बोला भे तेरे इलाके में रह रही है। मैं बोली मखा भाई कोई बात नहीं आप आ जियो हम आपकी मदद खातर कति तैयार खड़े हैं। अच्छा 16 साल की लड़की मतलब कि दूसरे के साथ चली गई या फिर कहीं अपने अपने घर पे चली गई? ना वो दूसरे के साथ भाग गई। अच्छा दूसरे बंदे के साथ भाग गई। अच्छा एक बात होती है 16 साल की लड़की तो जवान ही हो जाए 2 साल बाद उसका ब्याह ही हो जाएगा 2-3 साल बाद, तो ऐसा कर रही है महिलाएं उनको लेकर के क्या कहोगी तो मतलब इतना गंदा व्यवहार जो समाज में कर रही है? देखो हम तो यही कहेंगे भाई जो भी कर रही है ना जो सब एक अगर एक गलत करेगी ना तो सबका ही ना बदनाम होगा। तो आज जो लड़की है ना जो औरत है ना अपने बच्चों की नहीं हो सकती ना वो तो किसी की भी नहीं हो सकती। तो ये दूसरी जगह जाना ये जाना भाई नुकर सुखी रहेगा परिवार, पहले बच्चे जरूरी है पैदा करने फिर दूसरी जगह जाना। तो अभी उसका आपने देखा फरमाना का जो मामला था अब तक कोई बातचीत नहीं हुई उसमें, काउंसलिंग में कोई बात नहीं हुई, तो अभी 3 तारीख रखी गई है उसको लेकर के आप क्या कहोगे? मैं तो ज्योति को यही कह रही हूँ बेइज्जत तू सच्ची है ना तो मीडिया के सामने अगर तेरे में इसकी गलती है प्रवीण भाई की गलती है बता मीडिया को बता, वो भी तो बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर जब तो उसके साथ भागी थी जब अपने माँ बाप पर तो पूछ कर भागी थी, आज तू अपने माँ बाप की कोड़ी में बढ़ गई वो नन्नी दो जानना ने छोड़ कर, जब तक भागने तो पहले ये नहीं सोचा था कि मैं इसके दौरा आई हूँ तो मैं ना इसके बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे फिर उनकी परवरिश भी करनी पड़ेगी उनका खाना खर्चा भी देखना पड़ेगा, माँ तो बाप तो भी ज़्यादा प्यार करा बच्चों था अपने बच्चों के लिए कब तक ये करते माँ तो भीख भी मांगा अपने बच्चों के लिए। अच्छा। और शराबी आदमी के साथ आना मैं एक कहूँ एक एक औरत ऐसी ऐसी दिखा दूँ जो रात ना रोज पिटे और सुबेरे फिर काम करा क्योंकि अपने बच्चों के लिए, यानी कि बहुत सारी औरत है। हाँ बहुत सारी है मतलब ये भाई मतलब रोले तो हो सब घर में शराबी भी लड़ाई तो मारे गेला के होंगी नहीं मारे भी आदमी लड़े हैं अब अपने बच्चों खातर हम अपने बालका ना थोड़ा ना छोड़ देंगे। जैसे कि जो 3 हज़ार पर भी न लव मैरिज करी थी मतलब वो स्टेप गलत था या फिर मतलब आप कह रहे थे कि भी आपने एक बात कही थी कि जो अरेंज मैरिज है ना वो बढ़िया है जो मतलब रिश्तेदार करें परिवार वाले करें लड़की वाले और लड़के वाले की राजीनामे से जो शादी हो वो बेस्ट है, इसमें कितनी सच्चाई है कितना ठीक रहे? अरेंज मैरिज की है ना पता क्या है अरेंज मैरिज में ना जब लड़के वाला लड़की वाला लड़के के घर आता है ना तो वो लड़के वाला ना अपने भाईचारे ना इकट्ठा करा उसको ये पूछा जाता है भाई कौन से गांव था आए हैं कौन से क्या और क्या ना उसके सारे है ना जितने भी रिश्तेदारी हो है ना उसके ये पूछा जा भाई हमारी रिश्तेदारी में तो ये रिश्तेदारी है भाई बड़ी आदमी है तो अरेंज मैरिज ये है अगर जावेगी भी है
चली भी गई ना वो अपने बच्चों ने छोड़कर या अपने आदमी ने छोड़कर या अपने घर परिवार ने छोड़कर, तो उसके ऊपर है ना 70 वो रिश्तेदारी खड़ी हो जाएगी भाई ये लड़की गलत कर रही है। अच्छा ये भी क्या होना चाहिए, जैसे कि क्यों नहीं आना चाह रही ज्योति, मतलब कुछ आपने लगाया अंदाजा से भी क्यों नहीं आना चाह रहे ज्योति वाला परिवार, या फिर कहीं ना कहीं परवीन में गलती है? ज्योति में गलती है, परवीन में तो भाई देख कोई भी गलती नहीं, परवीन भाई की तो मैं इनू कह रही हूँ, परवीन भाई अगर तू सच्चा तो भाई देख अपनी लड़ाई लड़िए, जरूर लड़िए, क्योंकि है ना जितनी लड़ाई लड़ेगा इतने मजबूत होगा भाई, तो ना वो गलती तो बड़ी कर रखी, क्योंकि अरेंज मैरिज है ना ये कहना चलो भाई कणी कर दे ये भी, और पर्टिकली आने में है ना 4 लड़कियाँ उसका एक लड़का, उसने अपना आदमी मरवाया दूसरे के 7 लाख का, वो अरेंज मैरिज थी। हम ये नहीं कहते भाई हो जाए गलत, पर लेकिन है ना देखो उसका माँ बाप है ना जो भी जहाँ की लड़की थी ना वह उन्होंने स्पष्ट मना कर दी भाई मारे लिखा तो इसने फांसी पर टांग दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब उसकी परवीन की सही बता रहे हो, ज्योति ने गलत बता रहे, क्यों है सर? परवीन सही है, परवीन नू सही है, वो अपने बच्चों के लिए फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, माँ कर माँ करा इस काम ने, तो अगर आदमी छोड़ कर भाजेगा ना तो माँ लड़ा अपने बच्चों के लिए और वो लड़ रहा भाई लड़ रहा। अगर जो परवीन में कमी ना हो कमाया करना दें तो यह बात भी तो सामने आई नहीं कि कमाया कर दें, वो तो अगर दूसरा पक्ष आएगा ना, हम तो ज्योति ना कह रहे भाई ज्योति आ तू अगर गलत है हम लड़ेंगे तेरी लड़ाई, हम खड़े होंगे, हम जाओगे परवीन के घर, भाई तू इतनी सफाई दे रहा था कैमरे के सामने तो आज ज्योति ने तेरी सच्चाई बता दी, अब बता भाई तेरा के इलाज करे। बिल्कुल बिल्कुल, तो भागना तो देखो भागी तो वो अपनी उसका थी, कोई माँ बाप था थोड़ा ना पूछ का भागी थी वो, कोई परवीन अपने मम्मी पापा था थोड़ा ना पूछ का भगा का लेकर आया था कि आज मैं इसने भगा का लेकर आऊंगा और मेरे तक कोई इनाम देगा, गलत तो है दोनों ही है, पर हम तो नू कहे भाई उन बच्चों का क्या कसूर है जो ना 9 महीने पेट में रखा और वो 1.5 साल की लड़की है 2.5 साल की, मतलब मेन उन पे है भाई जो अभी ये कह रही थी हालत भी थोड़ी खराब है, परवीन तो बिल्कुल गलत है, उसकी माँ गलत है, उसका पापा गलत है, परिवार सारा गलत है बे, तू अपने बालका ने पहले ले आएगा उन दोनों बच्चों ने ले करो, और पहली बात तो तेना गलती आ करी तो उस लड़के ने छोड़ गया क्यों गई। अच्छा लेकर जाना चाहिए, हाँ साथ में लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि है ना 3 महीने तक है ना मैंने पहली वीडियो में बताया था 3 महीने तक तुम्हारा बालक है ना जो हम पैदा कराना उन्हें दूध भी नहीं पीना आता, हम पिला हमें उसने पकड़ पकड़ का दूध, और वो ना नहीं जाना वो चली गई तो उसकी बताओ सारी जिंदगी रोवेगी। तो फिर इतने दिन हो गए, काफी दिन हो गए, देखो ये इस बात ना तो गाँव समाज कुछ बात कह नहीं सकते, गाँव समाज ने उसका साथ देना चाहिए, गाँव समाज ने आज उसका साथ नहीं दिया परवीन का तो 2-4 लड़की और भी ऐसा काम करेंगी, वो एक पता क्या अगर उन्हें उसके उसका कल नहीं लगाई ना तो 2-4 नु कहेंगी मैं भी चली गई तो उसका के बिगाड़ लिया ज्योति का के कर लिया था। एक, एक, एक पक्ष क्यों देखो, आप दोनों पक्ष देखो ना, क्या बता इस परवीन में भी कमी हो, तो मैंने तो पहले बताई थी आज ज्योति बता मीडिया के सामने बता, अब एक एक की सफाई सुन रहे हैं सारे सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं जनता सुन रही है, आजा भी ज्योति ने बतानी चाहिए। तो क्यों नहीं आना चाहिए, मतलब ये सोच रहे कि कहीं ना कहीं हमारा नाम ना खराब हुआ है मतलब समाज में, तो इनाम मिल रहा है उसने फुल पर सारी जनता उस पर कुछ, तो एक पहली बात तो है ना उसने यो काम करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो उनकी इज्जत थोड़ी घनी रह रही थी ना भागी हुई है कि वो उछाड़ा है अपनी, पहले कब तक इतना थोड़े आदमी ने पता था भाई ज्योति परवीन के साथ भाग रही है, अरे दोनों बच्चों ने छोड़ कर गई पूरे दुनिया ने कति जितनी भी जनता है ना सब ना पता चल गया, पहले तो केवता गांव गांव वाले ना पता था। तो अभी मतलब अभी जो ये मामला हो रहा है समाज में तो इसको लेकर के क्या कदम उठाने चाहिए, महिलाएं कैसी होनी चाहिए आज के टाइम में? मैं तो नुकू सरकार ने तो जो रूल बना दिए जितने भी गांव की पंचायत है गांव गांव में आप अपनी पंचायत ना ये है ना फैसला लेना चाहिए भाई जो सी भी भागी उसने टोका काटांगे बस। अच्छे अच्छे रुक सका लड़का गलत काम करे जाओगा लड़के ना भी काटो। तो भाई देखो अभी जो मामला है कोई वो नहीं है, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है, और अब जो औरत बच्चे ना 9 महीने पेट में रखेगी और वो औरत नू सोचे जाओगी बेरानी मेरा बेटा होगा कि बेटी होगी, वो कुछ भी ऊपर वाला बेटा या देओ बेटी देओ वो इतनी खुश होगा
चाहे उसका 4 बेटी पहला भी थी, वो बेटी ने भी जन्म दे कर इतनी खुश होगी भाई, हाँ भगवान ना मेरी सुतरी तरिया हाथ पैर छिटवा दिए और भाई मैं अपने बच्चों में सुतरी तरिया। बिल्कुल भाई, अभी जो है तो क्या करना चाहिए ज्योति वाले के परिवार, कल्याण वाली लड़की है ना, मैं आपने सबने देखा होगा उन लड़कियों के बयान सुनी हो आप, मैंने वो करे नहीं मामला का, और खैर मैं थोड़ा बिजी था। भाई और ना कर रखा, दूसरे भाई हैं जो उन्हें कर रखा, देखी थी मैंने तो वो कह रहे थे उसकी लड़की ने के कहा बड़ी तो छोटी वाली ने कि जुकर मारा पापा काटा ना, हम तो नू देखा नू काटना चाह अपनी मम्मी ने। अच्छा मम्मी ने कह रहे हैं, अब बेटी माँ तो कह देगी क्योंकि माँ गलत है, जब भी तो कहा। अच्छा पट्टी कल्याण का मामला है, पट्टी कल्याण का मामला, पांच तो चार तो उसका लड़की है एक लड़का, और अभी पिछले शनिवार की। अच्छा उस मामले में क्या लगे आपने, उसको देखे होगा क्या स्टोरी है उसकी, थोड़ी बताइए उसकी ये स्टोरी है। जैसे वो है ना किसी दूसरे बंदे था है ना, यही प्यार के मामले चल रहे हैं लगाइयों के, तो उन्होंने ना दूसरे अपने आदमी ना छोड़कर वो दूसरे तक किसी तक बात करा करती, तो उसके घर का ना पूरा वो लगाया भैया यो हमारे घर नहीं आना चाहिए, तो सास ने भी कहा होगा उसका, तो उसके जो हस्बैंड था ना उसका वो इक्को चलाया करता, तो वो एक दिन इक्को लेने के लिए है ना, तो वो पानीपत के लिए पता नहीं करनाल के लिए घर से निकला था, तो उन्होंने ना पहले ही प्लानिंग बना रखी थी। अच्छा अच्छा, उसके घर वाली ने और उस जो दूसरा लड़का था उसने उसने मारण की, तो उन्होंने गड्ढा खोदा घर में ही और उसका ड्रिंक वगैरह करवाई, उसमें कुछ नशीली और भी जहरीली दवाई मिलाई गई, तो वहीं तो उसके है ना फिर टुकड़े करे उन्होंने। अच्छा इतने 4-5 बच्चों की माँ और अपने पति को कैसे मरवा सकती है, ये तो पति तो भगवान का रूप में, ये लुगाई नहीं है, औरत नहीं है ये, ये तो जो बाहर जाने वाली औरत है ना उनका भी उनना भी घर बिठावेंगी, ये तो जो बाहर कमा कर दे रही है ना अपने बच्चों ना उन्हें भी घर बिठवाएंगी, यानी कि सबका नाम खराब, हाँ पूरे समाज में कलंक साबित हो जाएगी। एक बेबे नु कह रही है वह उसमें है ना पूनम है दिखा मैंने सरपंच आवा वहाँ की आवा जीन दिक्कत नहीं की, वह कह रही लव मैरिज है ना गलत नहीं है, बे मैं तेना नू बताना मैं तेना नू पूछना चाहूँ तेरा भी बेटी होगी बहन होगी, जब लव मैरिज गलत नहीं तो ये चार चार बालका ना छोड़ छोड़ कर रही है लव मैरिज करवा लग रही, बे मैं तेरे तक पूछूँ उन्हें मैं पता नहीं को के नाम है बे तेरा, तो कुछ तो सरकार ने जुलूस काट रखा लुगाइया का परमिशन दे दे का कुछ बे थम ऐसे इसी नु कह कह का लव मैरिज गलत नहीं है, तो अच्छा गलत नहीं कह रही, हाँ नु कह गलत नहीं कह, मैं तेना पूछना चाहूँ बे मैंने नु बताइए सही क्यों कराया, फिर आपने को कर लगा गलत सही है या मतलब गलत क्यों कर लगा आपने, गलत नहीं हो जब चार चार लड़कियां ना छोड़ छोड़ का लुगाई दूसरे आदमी के ला भाजेंगी रूना मरवाएंगी, हैं तीन तीन लड़कियां ना छोड़ छोड़ का चार चार पांच पांच बच्चा ना छोड़ का एक एक औरत का है ना 7 लड़की और एक लड़का 8 बालक है, और फिलहाल ना फोन में भी है वो आप देख लियो। चलो भैया सीमा जी बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो सीमा जी काफी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा तो यहीं पे करते हैं, थोड़ी सी दिखाई आपको क्लिप और सर्दी का मौसम था और तो मिलना हुआ आने जाना हुआ, तो सीमा जी से बातचीत करिए आपको कैसी लगे इनके विचार, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दिएगा, और हमारे चैनल के हिसाब से यही है भाई समाज में अपना जो परिवार है वो ठीक रहना चाहिए, काफी जो उल्ट पुल्ट हो जाए मामला, मैं तो सरकार तभी एक वार लगाऊंगा, सरकार ने ये फैसले है ना जल्द जल्द बदलने चाहिए। चलो भाई, अरे तो है ना घर घर के दुनिया बर्बाद हो जाएगी। चलो भाई इसको लेकर के आपका क्या कहना है, फिलहाल ज्योति का और प्रवीण का मामला जो है पेंडिंग पड़ा है, 3 तारीख की उसकी कोर्ट में फिर काउंसलिंग है, तो लगती रहेंगे 2 तारीख तो देखो क्या है, बाकी जो हमारे हिसाब से है ना तो समाज ने खड़े उठ के जो है काम करवाना चाहिए, और जो दोनों गांव के लोग हैं उन्होंने बातचीत मिल करके, जो प्रवीण का गांव है ना वो पंचायत है ना एक बार है ना ज्योति के गांव में जाए वहां बैठ कर बात करे, बिल्कुल क्योंकि वो छोटे छोटे दो जान है ना उनके न्याय मिल जाए, उन्हें माँ का प्यार मिल जाए और उनकी माँ उनके पास आ जाए। हाँ बिल्कुल, चलो भाई वीडियो करते हैं, बैठ कर दे भाई, ओके।